चैप्टर 11 पार्ट 2 है ना, तुमन से स्टार्ट करेंगे। तुमन प्रत्यय धातुओं से के लिए अर्थात प्रकट करने के लिए तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये पद चतुर्थी विभक्ति का विकल्प रूप होते हैं। तुमन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। तुमन का तुम ही शेष रहता, ठीक है। पाठ तुमन, पाठ्य तुम, लिख तुमन, लिख तुम, हास्य तुमन, हास्य तुम, चल तुमन, चली तुम, खाद तुमन, खाद तुम, खेल तुमन, खेल तुम, क्रीड तुमन, क्रीड तुम, धाव तुमन, धावि तुम, रक्ष तुमन, रक्ष तुम, दृष्ट तुमन, दृष्टुम, पातुमन, पातुम, स्थातुमन, स्थातुम, ग्रातुमन, ग्रातुम, दातुमन, दातुम, भूतुमन, भवितुम, पत्तुमन, पतितुम, भ्रमतुमन, भ्रमितुम, पूजतुमन, पूजितुम, चोरतुमन, चोरितुम, क्रीतुमन, कर्तुम, पचतुमन, पक्तुम, है ना, गमतुमन, गन्तुम, गमतुमन, गन्तुम, हरेतुमन, हर्तुम, त्रेतुमन, तर्तुम, स्मरेतुमन, स्मर्तुम। इनको वाक में पठितुम है, खादितुम है, दृष्टुम है, पठनाय, खादनाय, दर्शनाय, ये तुमन प्रत्यय में केवल तुम शेष बचता, ठीक है। और है इसी में जैसे एग्जाम्पल्स हैं, हरिणः जलम पातुम, है ना, पातुम है, इसमें क्रीडितुम है, इसमें स्थातुम है, गंतुम है, ग्रातुम है, पानाय है, क्रीडनाय है, स्थानाय है, गमनाय है, घ्राणाय है, तप्यत तथा अनियर प्रत्यय। अब इसमें आएंगे तप्यत और अनियर। धातुओं से चाहिए या योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए तप्यत तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है, है ना। तप्यत का तव्य तथा अनियर का अनीय शेष रहता है। इनसे बने पद तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। पठितव्य पाठ, पठितव्य पत्रिका, पठितव्यम पत्रम आदि, पठनीय लेख, पठनीय रचना, पठनीय पुस्तकम। तव्यत और अनियर, तव्यत में क्या बसता है, सिंगल तव्य, और अनियर में अनीय। पठ तव्यत, पठितव्य, लेख तव्यत, लेखितव्य, हस तव्यत, हसितव्यत, है ना। अनियर पे भी देखेंगे बगल में, अनियर हो गया पठ अनियर, पठनीय, लिखनियर, लिखनीय, हसनीय, हसनीय, चल अनियर, चलनीय, खाद तव्यत, खादितव्य, क्रीड तव्यत, क्रीडितव्य, धाव तव्यत, धावितव्य, रक्ष तव्यत, रक्षितव्य, है ना। ऐसे ये चलेंगे। इधर पे भी क्या चलेगा, खाद तव्य, खादनीय, क्रीड तव्य, क्रीडनीय, धाव तव्य, धावनीय, रक्ष तव्य, रक्षणीय, अनियर होगा इसमें, और दृशनीयर, दर्शनीय, पानीयर, पानीय, ऐसे ये चलेंगे। तव्यत में तव्य चलेगा और अनियर में अनीय चलेगा। स्थातव्य, स्थातव्य, घ्रातव्य, घ्रातव्य, ध्रातव्य, घ्रातव्य, घ्रातव्य, दातव्य, दातव्य, भूतव्य, भवितव्य, भ्रमतव्य, भ्रांतव्य, पूजतव्य, पूजितव्य, चोरतव्य, चोरितव्य, क्रेतव्य, कर्तव्य, नन्तव्य, नन्तव्य, गमतव्य, गमतव्य, हरितव्य, हर्तव्य, स्मृतव्य, स्मर्तव्य, त्रितव्य, तर्तव्य, लभतव्य, है ना। ऐसे चलेंगे। अनियर में भी भ्रम का भ्रमणी होगा, पूज का पूजनी होगा, चुर का चोरणी होगा, क्रे का करणी होगा, गम का गमनी होगा, है ना। ऐसे चलेंगे। और वाक्य प्रयोग, तप्यत तथा अनियर प्रत्यान पदों का प्रयोग सदा कर्मवाच तथा भाववाच में ही होता है, है ना। त्वया पाठ पठितव्य, त्वया पाठ पठनीय, रामेण चित्रम दृष्टव्यम, रामेण चित्रम दर्शनीयम, युष्माभिः नगरी गंतव्या, युष्माभिः नगरी गमनीय। ऐसे ये चल रहे हैं गंतव्य के और ये अनियर के, है ना। नेक्स्ट एट पे चलेंगे, क्षत्रिय और सानच प्रत्यय। क्षत्रिय वर्तमान कालिक कार्य को बताने के लिए धातुओं पर क्षत्रिय तथा सानच प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ये क्रिया की वर्तमान दशा को सूचित करते हैं, जैसे पठ क्षत्रिय, पठत। क्षत्रिय में क्या बचता है, केवल अत, पठत, है ना, और पठंती,
सानच में आन पठान पठंती लभ सानच लभमान लभमानम। इससे इनसे बने शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं क्योंकि ये विशेषण होते हैं। इनका प्रयोग विशदा विशेषण के अनुसार ही किया जाता है। विशेष सत्र प्रत्यय सदा प्रस्मय पदी धातुओं पर लगता है, इसका अत शेष रहता है। सानच प्रत्यय सदा आत्मने पर लगता है, इसका मान शेष रहता है। ठीक है, सानच का आन मान। नीचे एग्जाम्पल से कुछ उन्हें ध्यान देंगे। पठ सत्य अथवचा पठ पठन लिखत लेखन गमन गक्षन नम शत्र नमन पा पिबन स्था तिष्ठन दृश पश्यन, ये ऐसे चला। और यदि सानच यूज करते हैं तो पठंती है ना, लिखंती गक्षंती नमंती पिबंती तिष्ठंती, ये ऐसे चले। सानच म्यान पठन लिखन गक्षन नमन, ये चले। सानच के भी हैं कुछ, लभ सानच लभशानक लभमान और मुदका मोदमान सेवमान याचमान वृत्तमान रुचमान यतमान रोचमान शिक्षमान भासमान शोभमान कंपमान शंक्यमान शममान रममान जायमान मनमान मन्यमान विद्यमान, ये ऐसे सानच आदि के चलेंगे, है ना। और इधर ये इनके ध्यान दीजिए, इनमें तीनों बनते हैं, पुलिंग भी स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। सेवमान सेवमाना सेवमाना सेवमानम याचमाना याचमाना याचमानम, तीनों लिंग बनते हैं। एक्सरसाइजेस हैं जैसे पठित्वा पठदंता प्रत्यय चलितुम चलिदंतुम उन प्रत्यय, ऐसे इनको प्रत्यय अलग करने हैं। रोचमान रुचमान रुच और सानच प्रत्यय, सानच का आन बसता है ना, ऐसे रुचि, ऐसे इनको फिल करेंगे। और ये भी हैं धातु प्रत्यय, जन धातु और प्रत्यय निकालना है। दर अनियर प्रत्यय होगा इसमें, दृश्य धातु अनियर प्रत्यय है ना, पाठितुम पठ्य धातु तुमन प्रत्यय, ऐसे ही होगा। ये भी इनको जोड़ेंगे, मनता मंत मत लभ सानच लभमान उपकृत्य है विजित विजित, ऐसे ही होगा। शुद्धम विकल्पम चिन्हुत शुद्ध विकल्प फिल करेंगे इनको, क्या सही होगा। दृशनीय दर्शनीय है ना, उपहस्य उपहार उपहस्य ये उपहस्य, ऐसे ये सारे होंगे। सो योर चैप्टर 11 इज कंप्लीट। ओके।